देखना cos इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस cos इनवर्स 12 अपॉन 13 इक्वल cos इनवर्स 33 अपॉन 65 को रूट करना। सबसे पहली चीज अपन यहाँ पे cos 45 है, इसको हम x कंसीडर कर लें और इसको y कंसीडर कर लेंगे और इसके अंदर cos x प्लस y वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। सिंपल सा क्या करना है आपको, इसको x कंसीडर करेंगे और इसको y। तो क्या करना है देखो, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू x एंड cos इनवर्स 12/13 इक्वल में क्या हो गया तो cos उधर चला जाएगा, ठीक है जाएगा 4/5 इज इक्वल टू cos x और ये क्या हो जाएगा 12/13 इज इक्वल टू cos y। अब एक क्लास टेंथ के अंदर cos y से sin y की वैल्यू फाइंड करना तो या डायरेक्ट चाहो तो हम फार्मूला पुट कर सकते हैं। साइन और कॉस का क्या फार्मूला है हमारे पास, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, और यहाँ पे किसके लिए लगाएंगे हम साइन वाई के लिए, साइन वाई का क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वन। तो साइन एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 4/5 16/25 इसकी बात कर रहे हैं साइन वाई की, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 144/169 क्लियर है। साइन एक्स इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 25 कैसी हम आ जाएगा 25 माइनस 16 3/5 तो साइन एक्स इक्वल 3/5 आगे समझ में। अब ये इसको सॉल्व करते हैं 12 बाई साइन वाई का क्या हो जाएगा डायरेक्ट हम उसको सॉल्व करें 9 माइनस 144 अपॉन 169 हो गया। सॉल्व करेंगे 5 अपॉन 13 हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करें, cos x प्लस y क्या होता है cos x cos y माइनस sin y, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर पूछे हैं मैंने, है ना, जो एक पेपर है उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन डाले हैं, उसमें इस टाइप के जितने भी फार्मूले सारे आप सुना है। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लेते हैं 4/5 हो गया है ना। अब कॉस एक्स की वैल्यू क्या है 4/5, कॉस वाई की 12/13 माइनस साइन एक्स की 3/5 है और साइन वाई का 5/13 तो कॉस एक्स प्लस वाई सॉल्व करें इसको 65 तो क्या हो जाएगा 65 एलसीएम 48/65 तो कॉस एक्स प्लस वाई 65 48 माइनस 15 तो कॉस एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 33 अपॉन 65 एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 33 अपॉन 65। अब एक्स और वाई की वैल्यू जो आपने कंसीडर करी थी ये की वैल्यू आप वहां पे पुट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल क्या जाएगा कॉस इनवर्स 33/65 ये आपको प्रूव करना है। आगे समझ लें क्या करना है, सबसे पहले एक्स को कंसीडर करना है और वाई को कंसीडर कर लिया, फिर दोनों के लिए क्या करेंगे साइन साइन एक्स साइन वाई की वैल्यू इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब हम कॉस एक्स प्लस वाई का जब फॉर्मूला लगाएंगे तब कॉस और कॉस की वैल्यू तो है हमारे पास, कॉस एक्स साइन वाई की तो कॉस एक्स कॉस वाई की तो है,
साइन एक्स साइन वाई की नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको मैं लिखता था, सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको यूज करने पड़ेगा। हाँ ठीक है,